नमस्कार, मैं आपके साथ हूं पूजा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जिला अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई। यहां स्वास्थ्य महकमे के अनदेखे के चलते एक पिता अपने मासूम बेटे के शव को बाइक पर ही ले जाने के लिए मजबूर हो गया। बेबस और लाचार पिता का बेटे का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। उधर जिला अस्पताल प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियों से पलड़ा झाड़ते हुए परिजनों को अस्पताल प्रशासन को जानकारी न देने का कसूरवार ठहराया है। आपको बता दें, पूरा मामला सीतापुर के सदर जिला अस्पताल परिसर का है। यहां तालगांव थाना क्षेत्र के ग्राम देवरिया निवासी छेदी का 10 वर्षीय पुत्र कस्बे में ही सड़क हादसे का शिकार हो गया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां मासूम बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया था। पुलिस ने पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए तैयार किया और जिसके बाद परिजन शव को पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने के लिए शव वाहन की तलाश करने लगे। पिता अपने मासूम बेटे का शव पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बैठे डॉक्टरों से गुहार की और स्वयं भी शव वाहन के ड्राइवरों को फोन करके शव ले जाने का आग्रह भी किया, लेकिन उसकी किसी ने भी बात नहीं सुनी। पिता का आरोप है कि शव वाहन का ड्राइवर नशे में धुत था। पिता की बेबसी और मायूसी उस समय दम तोड़ दी जब बेटे का शव खुले आसमान के नीचे घंटों तक पड़ा रहा। बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन की अनदेखी से मजबूर पिता ने बाइक पर अपने बेटे का शव ले जाना मुनासिब समझा और उसे लेकर बाइक पर ही पोस्टमार्टम हाउस पहुँच गया। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला अस्पताल के सीएम अग्रवाल का कहना है कि पंचायतनामा के बाद शव को ले जाने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की होती है, अगर फिर भी ऐसे कोई बात थी वह मुझे सूचित करते, अस्पताल प्रशासन पोस्टमार्टम हाउस भिजवाने का प्रयास करते।